तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास सिग्नेचर कंपनी का ये ब्लूटूथ नेक बैंड आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। और इस नेक बैंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इसकी एक स्पीकर के अंदर तो हमारी आवाज आ रही है और एक स्पीकर के अंदर आवाज नहीं आ रही है। और इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। कईयों के अंदर तो ये होता है कि दोनों के अंदर आवाज नहीं आती, कई बार वायर को हिलाने पे आवाज आती है। तो इस टाइप की काफी सारी प्रॉब्लम इस टाइप के नेक बैंड के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब हम इस टाइप के नेक बैंड को दुकान पे भी रिपेयर करवाने ले जाते हैं तो दुकानदार भी मना कर देता है, भाई ये चाइनीज आइटम है, ये रिपेयर नहीं होगा। तो ऐसे में मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो किस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को अपने घर पे ही बहुत ही कम पैसों में रिपेयर कर पाओगे और उसे दोबारा से यूज कर पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर की जो बॉडी है इसको खोलना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको खोलने के लिए मैं ओपनर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस वाली के अंदर ही प्रॉब्लम है। ये जो स्पीकर है इसके अंदर आवाज हमारी नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले हमें इस बॉडी को खोलना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले से जिस भी बंदे का ये ब्लूटूथ नेक बैंड है उन्होंने इसको खोलने की कोशिश की है। तो यहाँ से देखिए निशान बना भी हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें खोल लेना है, बड़े आराम से यहाँ से खुल गया। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जब भी आपके किसी भी एक भी लीड के अंदर बिल्कुल भी आवाज ना आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो वायर है ये अपनी जगह पे जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। तो यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आपको सारी चीजें क्लियर करके दिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी प्लेट लगी है और इसके अंदर सारी वायर हमारी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक एक वायर को अच्छे से देख लेना है। तो सबसे पहले आपको स्पीकर वाली वायर को देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पीकर वाली जो दोनों वायर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़ी है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस साइड की भी वायर को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये वायर भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से लगी हुई है और बैटरी की वायर भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से लगी हुई है। तो यहाँ पे भाई वायर का टूटने का तो कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस टाइप की जो हमारी लीडें होती हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि वायर कई बार हमारी या तो खींच जाती है या अंदर ही अंदर हमारी टूट जाती है वायर, या फिर कई बार ये जो स्पीकर है यहाँ से भी वायर हमारी हट जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको खोलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये जो आजकल के स्पीकर आते हैं ना, इस टाइप लीड ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपके रहते हैं। तो इनको अगर हम खोलने की कोशिश भी करें तो इनका प्लास्टिक टूट जाता है। लेकिन हम इसको खोलेंगे, टूट जाएगा तो टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम पता लगाना है। तो इसके लिए मैंने रबड़ को हटा दिया और यहाँ से हम इसको खोलेंगे। तो इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ कि ये देखिए फ्रेंड, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खोला है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये हल्का सा खुल गया है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ओपनर से खोलने की कोशिश कर लेते हैं तो यहाँ पे ये पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने इसको खोल लिया। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर भी हमें वायर देखनी है कि भाई वायर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वायर है हमारी यहाँ से निकली हुई है। अब ये वायर खोलते समय निकल गई है कि क्या सिस्टम है, इसको हम कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले वायर को बाहर निकालना है। ये देखिए, इस तरीके से वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। और इस वायर को सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक ओके है कि नहीं है। ये चीज़ें हमें चेक करनी है क्योंकि अगर ये चीज़ें ओके है तो यहाँ पर हम स्पीकर को चेक करेंगे। अगर स्पीकर भी ओके होगा तो यहाँ पे हम वायर को जोड़ देंगे, हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वायर को चेक कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि वायर को कैसे चेक किया जाता है, तो इसको आप मल्टीमीटर चेक कर सकते हो। तो इसकी जो वायर है इसके ऊपर पहले पॉलिश चढ़ी होती है, तो इसको मैं थोड़ा सा माचिस से जला लेता हूँ। तो मेरे पास माचिस तो नहीं है, ये लाइटर है, इससे मैं जला लेता हूँ ताकि इसके ऊपर का प्रिंट हमारा निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया है। और अब हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही, मल्टीमीटर से ये चेक करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, आप कोई भी मल्टीमीटर किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। अब मल्टीमीटर को हमें कहाँ पे सेट करना है, बजर मोड पे, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे है, आपके मल्टीमीटर में हो सकता है कहीं और पे पॉइंट दे रखा हो, आप देख लेना। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया और ये देखिए मल्टीमीटर हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमें वायर को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक वायर ले लेंगे, सबसे पहले एक वायर लेना है और उस पर प्रोब को रख लेना है। ये देखिए, मैंने एक को रखा। अब यहाँ पे ये जो वायर हमारी यहाँ से इसमें जुड़ रही है, यहाँ पे हम टच करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीप आ रही है, इसका मतलब वायर हमारी ओके है। अब उसके बाद हम दूसरी वायर पर रखेंगे और इसको हम दूसरे साइड में रखेंगे।
यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको रखा, टच करा, तो यहाँ पे बीप आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वायर है वो तो बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर स्पीकर की, तो इसके स्पीकर को हम चेक करेंगे। तो स्पीकर के अंदर देखिए बिल्कुल छोटे छोटे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये स्पीकर भी हमारा बिल्कुल ओके है, इसके अंदर बीप आ रही है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्पीकर को भी चेक कर लिया और वायर को भी चेक कर लिया, तो वायर हमारी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, जहाँ पे हमने इसको खोला था तो इसके अंदर जो वायर थी वो हमारी टूट के अलग हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीकर के अंदर साउंड नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से आपको एक एक चीजों को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसकी वायर को दोबारा से जोड़ लेता हूँ और एक बार इसको मैं ऑन करके कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वायर को दोबारा से जोड़ लिया है, तो अब मैं एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑन करूंगा, ये इसका पावर बटन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हल्की सी आवाज आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको ऑन करा तो बिल्कुल हल्की सी आवाज सुनाई दी। हो सकता है कि आपको वीडियो के अंदर आवाज ना सुनाई दी हो, क्योंकि इस टाइप के स्पीकर की आवाज बहुत कम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या था फ्रेंड, ना तो इसकी वायर खराब थी ना ही इसका स्पीकर खराब था, इसकी वायर हमारी अंदर से अंदर ही अंदर टूट के अलग हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी नेक बैंड हो तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि मेरे नेक बैंड के अंदर वायर टूट गई तो आपके भी नेक बैंड में वायर ही टूट गई हो। कई बार क्या होता है कि स्पीकर खराब होता है, कई बार वायर अंदर से खींच के टूट जाती है, या फिर कई बार हमारे सर्किट के भी अंदर प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रॉब्लम को हमने चेक करके ठीक कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।